आज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्या रेजोनेंस? रेजोनेंस कहते किसको है? रेजोनेंस क्या है? एक बार मैं पूछ रहा था स्टूडेंट से रेजोनेंस क्या है, वो बोले कि रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला रेजोनेंस नहीं बात कर रहे हैं, ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये रेजोनेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आसान है और इजी भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं रेजोनेंस कहते किसको है, रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई, ठीक है, पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पैरेलल प्योर ऑर्बिटल। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पैरेलल प्योर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन दो टाइप का होता है, पहला एक लोकलाइज, दूसरा डीलोकलाइज। लोकलाइज मतलब खड़ा है, उसको हिलाए तो फिर वहीं का वहीं खड़ा है, दैट इज लोकलाइज। और डीलोकलाइज मतलब क्या, जैसे एक रूम है तो रूम में गोल गोल घूम रहा है और टहल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है अलोंग द स्ट्रक्चर तो वो डीलोकलाइज बोलते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर देखेंगे ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है। ब्यूटा मीन्स चार कार्बन आएंगे, फोर कार्बन, ठीक है, और दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे ही बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डीलोकलाइज मतलब टहलेगा, घूमेगा, फिरेगा। ये घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे घूम के आ जाएगा। तो एक और स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, वो क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। और ये लूज कर रहा है, अगर हम लूज करते हैं और हम किसी को देते हैं पैसा, ठीक है, जैसे मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं किसी को दे दिया तो मैं पॉजिटिव में हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रही है ऑन दिस कार्बन। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं मतलब हम निगेटिव में, हम उसको पैसा फिर देना है तो हम निगेटिव में है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ड्यूलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जो कि रेजोनेंस कहलाता है। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे, यहाँ चार कार्बन है, ठीक है, चार कार्बन है, और इस कार्बन में हैव इट्स पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका एक पी ऑर्बिटल है और इसका एक पी ऑर्बिटल एंड इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन मतलब घूमता है, तो ये यहाँ पे घूम के आ जाएगा और ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब घूम के आएगा तो एक दूसरा सेक्शन मिलेगा आपको, तो ये चार कार्बन है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल का एक कार्बन का पी ऑर्बिटल रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे आगे ओवरलैपिंग हो रहा है डबल बॉन्ड, और ये लूज कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो ये निगेटिव चार्ज आएगा। ये फेनोमेनन को डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को ही रेजोनेंस कहते हैं। आई होप रेजोनेंस समझ में आ गया। लेकिन रेजोनेंस का जरूरत क्यों पड़ता है, रेजोनेंस क्यों पढ़ेंगे भाई, जरूरत क्यों पड़ रहा है? एक्चुअली क्या होता है इन रियलिटी, कंपाउंड का वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज। क्या बोला, वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, देन वी नीड द रेजोनेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, अपने को पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है,
सो बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले महाराज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केकुले। सो केकुले क्या बोले कि बेंजीन एक साइक्लिक मेंबर रिंग है, साइक्लिक मेंबर रिंग, सिक्स साइक्लिक मेंबर रिंग मतलब सिक्स कार्बन है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कि आप यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मेजर करें कि कितना मतलब डिस्टेंस है दोनों कार्बन के बीच में, तो ये होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम मतलब 10^-10 मीटर, पता होगा। सो दिस इज कार्बन बिटवीन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम। अगर डबल बॉन्ड का बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो ये है 1.34 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये 1.3 एंगस्ट्रम है। तो यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जब एक्सपेरिमेंटली बेंजीन का मेजर किया गया तो वो आ रहा था, दैट इज कमिंग आउट एज 1.39 एंगस्ट्रम। दिस इज हाउ मच? 1.39 एंगस्ट्रम, जो कि यहां पे देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड से बड़ा है और सिंगल बॉन्ड से छोटा है, और ये बॉन्ड लेंथ सब का सेम ही आ रहा था। मतलब और कार्बन का अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन लिखे, 6 कार्बन लिखे, तो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, सबके बीच में सेम ही आ रहा था। बॉन्ड लेंथ का तो बात छोड़िए, अगर बॉन्ड ऑर्डर का भी मेजर किया गया, बॉन्ड ऑर्डर का, तो जनरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 या 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन किया गया तो हाउ मच इट वॉज कमिंग? इट वॉज कमिंग एज 1.5। कितना आया था? 1.5 एज बॉन्ड ऑर्डर। सो ये 1.5 आ रहा है, जो कि 1.5 है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, सो एक इसका एक स्ट्रक्चर इसके प्रॉपर्टीज को, सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड हियर रेजोनेंस। व्हाट वी नीड? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, तो ये यहाँ पे डिलोकलाइज होगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होगा और ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, तो अपने को एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। सो एक और स्ट्रक्चर, और दोनों इंटरकन, दोनों को एक दूसरा से, एक से दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे डिलोकलाइज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट अगेन इस अभी अभी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका दोनों का एवरेज आएगा बॉन्ड एवरेज 1.5। ठीक है, और यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड कंप्लीटली है, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी इसके बीच में आएगा जो कि 1.39। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें पता चल जा रहा है, और ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो इससे भी ये प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये वाला यहाँ पे जाए और ये वाला यहाँ पे जाए पाई इलेक्ट्रॉन, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगेन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। सो बोथ आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड बोथ आर इमेजिनरी। व्हाट इट इज? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है। ठीक है, एक्चुअली ये आपको डाउट आ रहा कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर डिस्पर्स क्यों कर रहा है, मतलब व्हाई इट्स डिस्पर्सिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। सो ये क्यों करता है? क्योंकि इट विल गेट द स्टेबिलिटी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 10 लड़के खड़े हैं और एक लड़का के माथे पर 20 किताब डाल दिया, 20 बुक्स डाल दिया, तो ही इट विल बी हैवी, और वो इट विल बी, ही विल बी अनस्टेबल। उसको 20 किताब जैसे 2 घंटा के लिए खड़ा कर दिया तो बहुत दिक्कत होगा। वही हम क्या करेंगे, 2-2 बुक को इस स्टूडेंट पर, 10 स्टूडेंट पर दे दूंगा, तो 10 स्टूडेंट पर दे दूंगा तो वो भार कम पड़ जाएगा, और भार कम पड़ जाने से वो ज्यादा बच्चे सब लोग स्टेबल रहेंगे, मतलब आराम से वो हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सो डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। क्या होगा? डिस्पर्सल ऑफ द चार्जेस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, तो इसलिए ये डिलोकलाइज हो रहा है। आई होप ये क्लियर है क्यों डिलोकलाइज करें, डिलोकलाइज करें क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं।
सो आर एस से मैं लिखूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और बट ये दोनों में से एक स्ट्रक्चर इज वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज, मतलब ये दोनों इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी मतलब रियल क्या है भाई, रियल स्ट्रक्चर तो होगा क्योंकि इच कंपाउंड विल हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। सो रियल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ये बेंजीन है, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, तो मतलब इसको हाफ हाफ सब जगह ले लेंगे, ठीक है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। सो ये रियल स्ट्रक्चर है, और रियल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ 1 और ये अराउंड हाफ है, ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ 1.5 है, और बॉन्ड लेंथ भी ये सिंगल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड से छोटा है, और सिंगल बॉन्ड से सॉरी डबल बॉन्ड से बड़ा है और सिंगल बॉन्ड से छोटा है, यहां से हम देख सकते हैं, तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.39 आंसर हमारा, मतलब ये स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर है ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है, क्या है, रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है, इसको बनाया गया है, ठीक है। सो ये रेजोनेंस हाइब्रिड सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म है रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करने पड़ता है, जैसे यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एच प्लस अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने मैकेनिज्म के लिए हमको स्टैटिक बॉन्ड चाहिए, स्टैटिक बॉन्ड जो कि ये दोनों में है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। सो सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, जब ज्यादा स्टेबल है तो उसको बोलते हैं मोर कंट्रीब्यूटिंग, मोर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, और जब लेस स्टेबल है, अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है तो उसको बोलेंगे लेस कंट्रीब्यूटिंग, क्या बोलेंगे, लेस कंट्रीब्यूटिंग। सो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई एम राइटिंग इन शॉर्ट आर एस, ओके, so more stable resonating structure will be called as more contributing, more or major इसको बोल सकते हैं, major contributing, major, major contributing resonating structure, ठीक है। अगर वो less stable है, less stable, less stable resonating structure, तो वो विल बी कॉल्ड एज माइनर कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट विल बी कॉल्ड एज माइनर, माइनर मतलब क्या, कम है, माइनर रेजोनेटिंग, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। सो हम क्या पढ़ेंगे, बेंजीन का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों इमेजिनरी है, और ये रियल हाइब्रिड है जो रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एक इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर ये कैंपेन करने चले, ठीक है, वो क्या बोले कि इसको गधा समझते हैं, ठीक है, इसको क्या समझते हैं, गधा, और इसको घोड़ा, तो इसको हम खचर समझेंगे, मतलब खचर क्या होता है, घोड़ा में पाया जाता है और गधा में पाया जाता है, इसलिए जैसे क्या बोले वो, ये बोले कि इसको गधा समझते हैं, गधा, ठीक है, और इसको घोड़ा समझते हैं, घोड़ा, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को खचर समझ रहे, वो बोले कि खचर समझ, खचर, ठीक है। बट क्या है, एक चीज मेरे को फंडामेंटल इसमें दिखता है, ये गधा है, घोड़ा, यहां ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये इमेजिनरी है, बट ये गधा और घोड़ा रियल है, यही थोड़ा सा फंडामेंटल इरर है। बट एक और यूरोपियन ऑथर आया इंडिया में, ठीक है, प्रोफेसर था एक्चुअली, टीचर, तो जब आया तो घूम रहा था, वो देखा राइनो, राइनो मतलब गेंडा, गेंडा को देखा, तो गेंडा का सिंह होता है ना, तो गेंडा का सिंह होता है,
तो जब वो अपने कंट्री में यूरोप में जाके वो बता रहा था कि गेंडा मैं देखा, तो बच्चे बोले गेंडा कैसा दिखता है, तो क्या बोला कि एक यूनिकॉर्न एनिमल देखो, यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी एनिमल है जिसका सिंग होता है माता पे, सो यूनिकॉर्न का हेड ले लो बोला, ठीक है, और ड्रैगन का बॉडी ले लो, क्या बोला, ड्रैगन का बॉडी ले लो, ड्रैगन का बॉडी ले लो, ठीक है, सो यूनिकॉर्न का हेड ले लो तो एक सिंग रहेगा और ड्रैगन का बॉडी ले लो तो एक नया जानवर बनेगा, वो राइनो है, ठीक है, राइनो, ठीक है, मतलब ये यूनिकॉर्न और ड्रैगन तो आपको पता है ये दोनों इमेजिनरी है और ये राइनो रियल है, तो ये थोड़ा सटीक बैठता है, सटीक बैठता है, ठीक है। सो हम रेजोनेंस के, रेजोनेंस पढ़ लिए क्या है, क्यों जरूरत पड़ता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है पढ़ लिए, ठीक है। सो अब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर नीट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट में, नीट 2012 में पूछा गया था, ठीक है, नीट 2012 में। सो क्वेश्चन वाज, एक इथीन दी है, इथीन मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, सो इट इज CH2 और डबल बॉन्ड रहेगा CH2, इथीन दिया हुआ है और बोले कि बेंजीन दिए थे वो, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और वो दिए इथेन, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इथेन, और फिर बोले इथाइन, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ठीक है। सो बोले कि इसका बॉन्ड लेंथ ए मानते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ बी, इसका बॉन्ड लेंथ सी एंड इसका बॉन्ड लेंथ डी। सो वो चार ऑप्शन डिफरेंट दिए थे, सो फर्स्ट ऑप्शन लेटर से दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं जिसमें हम लेंगे सी बड़ा है, ठीक है, फिर बी बड़ा है, फिर ए बड़ा है, फिर डी बड़ा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पहले सी से स्टार्ट करते हो, बी स्टार्ट कर सकते हैं, बी सी डी एंड ए, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें डी बड़ा है, फिर ए बड़ा है, फिर बी बड़ा है, फिर सी बड़ा है, देन यू नीड टू सी विच वन इज द करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, ये नीट 2012 में पूछा गया था। तो अगर आप ये रेजोनेंस समझ गए तो ये आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। सी दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, और यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसके बाद ये छोटा रहेगा, ठीक है, और यहां बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड का रहता है, हम अभी देखे थे ये रेजोनेंस आ गया, तो इसका इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है, तो इसका बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड, इसमें प्योरली डबल बॉन्ड है, सो डबल प्योरली बॉन्ड से छोटा रहेगा, और ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो सबसे बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा सी होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सबसे बड़ा सी होगा, ठीक है, सी सबसे बड़ा होगा, फिर देखिए ये सबसे सिंगल बॉन्ड से सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये बी है, बी में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों, सो ये बड़ा होगा बी, ठीक है, और ऑप्शन ए में, दिस ए वाला ए में ये प्योरली डबल बॉन्ड है, सो वो थोड़ा छोटा होगा, और छोटा होगा, तो ये छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे तो ये डी में, डी में क्या है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो बहुत छोटा होगा, तो ये सबसे छोटा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये आसान सा क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेई मेंस का क्वेश्चन करेक्ट, सो जेई मेंस में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछे थे 2018 में, 2018 का क्वेश्चन, तो क्या बोला कि एक ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन, सो ब्यूटाडाइन एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको रिएक्शन करवाए वो एच बी आर सी, इसे एच बी आर सी, इसका वन इक्विवेलेंट लिए, वन इक्विवेलेंट, ठीक है, ये वन है, सो वन इक्विवेलेंट लिए सी सी एल फोर के प्रेजेंस में, ठीक है। सो वो बोले कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, सो ऑप्शन फर्स्ट में पूछे कि वो वन टू एडिशन विल टेक प्लेस, वन टू एडिशन, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड में बोले कि वन फोर एडिशन टेक प्लेस, एडिशन टेक प्लेस, ठीक है, एंड ऑप्शन थर्ड में बोले कि बोथ,
ऑप्शन थर्ड में बोले कि ऑप्शन वन एंड द सेकंड बोर, ठीक है, और ऑप्शन फोर्थ में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो एच बी आर, अगर एच बी आर का बात करेंगे, एच ये बी आर, ठीक है। सो बी आर है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो ये पासवे डबल, ये सॉरी ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां में डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये बी आर माइनस एक्वायर करेगा और यहाँ एच प्लस, सो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो ये टेंडेंसी अगर बात करें डबल बॉन्ड का, ठीक है, ऐसा है, तो ये वाला इधर से मूव करने का कोशिश करेगा, तो मूव करने का कोशिश करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। सो ये ब्रोमिन एच प्लस और बी आर माइनस में टूटेगा, सो दिस बी आर माइनस, दिस इज निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी अट्रैक्शन। अपने को पता है हमेशा अपोजिट, मतलब गर्ल्स एंड बॉय में अट्रैक्शन होता है, इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, सो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमिन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था, सो यहाँ पे देख सकते वन एंड टू एडिशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन टू एडिशन, दिस इज वन टू एडिशन, ठीक है। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसे है, ठीक है, डबल बॉन्ड, इसको इसको यहां पे भेजते हैं, ठीक है, और इसको यहां पे, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ये क्या है बताता हूं, ये ब्यूटाडाइन है, मतलब चार कार्बन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, अब यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, तो ये जब इधर आएगा, ये इधर भी आते तो इधर भी जाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इधर आ रहा है, तो जब ये आएगा तो चार कार्बन है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे आके हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रोमीन निगेटिव चार्ज है, सो निगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव और जाके यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है पॉजिटिव, सो यहाँ पे जाके अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। और एक और है ये सेक्टर, मतलब अगर यहाँ चार कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सो ये वाला यहाँ पे जा रहा है और ये वाला यहाँ पे जा रहा है, तो क्या मिलेगा अपने को, कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये लूज करा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज आएगा, और एच बी आर अगर टूटा होगा तो ये एच प्लस में एंड बी आर माइनस में, सो दिस बी आर माइनस इज निगेटिव एंड दिस इज एच प्लस इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव चार्ज जाके निगेटिव वाला जगह पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आके ब्रोमीन कनेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे वन टू एडिशन था, ठीक है, और यहाँ पे ये वन फोर एडिशन, वन फोर एडिशन, सो ये स्ट्रक्चर से हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, मैं ये क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस, दैट्स व्हाई आई टुक दैट, और ये है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन, यहाँ पे निगेटिव वाला जुटेगा आके ब्रोमीन गेट कनेक्टेड, ब्रोमीन आके यहाँ जुटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुटेगा, सो ये वन फोर एडिशन, वन फोर एडिशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आंसर में वन टू एडिशन आल्सो इज देयर एंड वन फोर एडिशन आल्सो इज देयर, सो ये वन टू एडिशन एंड वन फोर एडिशन, तो कौन सा ऑप्शन में, दोनों है ऑप्शन थर्ड में, सो ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट आंसर है, और ये अगर हम थोड़ा सा जानते तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जेईई मेंस 2018 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि 1,3-butadiene है, ठीक है, इसको 1 HBr इक्विवेलेंट से HBr से रिएक्शन करवाए CCl4 के प्रेजेंस में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो बोले कि प्रीडोमिनेंटली कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रीडोमिनेंटली मीन्स नथिंग बट मेजर प्रोडक्ट क्या है, सो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन है कि वन टू एडिशन एंड दिस इज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, एंड सेकंड वन इज 1,4 एडिशन एंड दिस वन अगेन थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, अरे थर्ड ऑप्शन में था क्या कि 1,2 एडिशन एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन में भी 1,4 एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
सो ब्यूटाडाइन अपने को पता है कि चार कार्बन है, ठीक है, एंड वन एंड थर्ड पोजिशन देर इज डबल बॉन्ड, सो वन एंड द थर्ड पोजिशन इट इज हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है। सो एक्चुअली एच बी आर को जब हम सी सी एल फोर में डालते हैं, एच बी आर को सी सी एल फोर में, तो ये एच प्लस एंड बी आर माइनस में चेंज होता है, बी आर माइनस में, एच प्लस एंड बी आर माइनस में, ठीक है। सो जब ये डबल बॉन्ड है तो इट कैन डीलोकलाइज टू हियर, जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन 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 चार बॉन्ड है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये गेन करा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज है। सो जब ये एच बी आर रिएक्ट करेगा तो एच प्लस आके निगेटिव से कनेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैज एफिनिटी टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पर आके हाइड्रोजन कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ ब्रोमिन निगेटिव चार्ज है, सो आके ब्रोमिन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन, सो दिस इज वन टू एडिशन, ठीक है। बट ये वन टू एडिशन विल टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर मतलब अराउंड इसका टेम्परेचर मेंशन -70 डिग्री सेल्सियस अराउंड, ठीक है। सो दिस इज एट द लोअर टेम्परेचर वन टू एडिशन, बट एक और क्या हो सकता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो ये रेजोनेंस शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और ये दिस इज लूजिंग, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एच प्लस है तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल हैव एफिनिटी टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, सो यहाँ आके हाइड्रोजन कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब दिस विल हैव निगेटिव चार्ज विल हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पे आके ब्रोमिन जुट जाएगा, यहाँ पे ब्रोमिन, सो दिस इज वन फोर एडिशन, दिस इज व्हाट इट इज वन फोर एडिशन, ठीक है, वन फोर एडिशन। सो ये टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है और रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर और 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। सो सिंस हियर इट इज टेम्परेचर इन्वॉल्व, टेम्परेचर इन्वॉल्व मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, सो टेम्परेचर इन्वॉल्व मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, इसको ऐसा भी लिखते हैं कि एट लोअर टेम्परेचर, दिस इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। सो सिंस इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे 1-4 एडिशन मिलता है, ठीक है, मतलब दो कंडीशन आ रहा, फर्स्ट 1-4 एडिशन और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी मेंशन किए थे, ठीक है, तो एट और हायर टेम्परेचर, तो 1-4 एडिशन है और दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, सो लुक फॉर दैट। सो यहाँ 1-2 एडिशन है तो ये तो रूल्ड आउट हो जाएगा, ये 1-4 तो ये करेक्ट हो सकता है, 1-2 एडिशन देन अगेन इट इज रूल्ड आउट, 1-4 एडिशन देन दिस कैन बी करेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, यहाँ पे टेम्परेचर से कंट्रोल हो रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, सो यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, यहाँ पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, सो दिस वन इज रूल्ड आउट, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1-4 एडिशन एट द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन।